लिख के नहीं दी उपवास में बैठे उपवास में भी के बैठे नायब सैनी और कुरुक्षेत्र में सीधा अण लाए रहे पहला परौठे खा के चार चार फिर उपवास चार परौठे खा के भी कोई उपवास करे आ रहा है। देखिए उपवास के बाद जब उपवास तोड़ा जाता है तो फिर पानी या जूस दिया जाता है, लेकिन इनके औकात नहीं है जूस पीने की, पानी दे दिया किसानों ने और दोबारा फिर रख के देख लें इनको अच्छी तरह से पानी पिला देंगे। और मेरी हड़म ताए हो कल कदे नाका खोल दिया बीजेपी फल तो नहीं आ गया हरियाणा में डूब तो नहीं गया भाई बैठे हैं शहरों में आज 20 रुपए किलो आटा मिल रहा है इनको, कल को हो सकता है 100 रुपए किलो भी हो जाए। अंधभक्ति छोड़ो और ढंग की बात करो। ये कहते हैं कि आप स्टोर करो, स्टोर कहाँ करे साले, भैंसे बांधने के लिए तो शेड बनवाया नहीं जाता हमारे से। ये सिंगू बॉर्डर आज आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन में जो किसान हैं लगातार वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, उन्होंने अपने तंबू लगाकर अपने रहने की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली है ताकि सर्दी में कोई तंग ना हो सके, उसके लिए इन्होंने पूरे अपने इंतजाम कर लिए हैं। किसान आंदोलन को आज लगभग 25 से 26 दिन हो गए हैं। कल जैसा कि आपने हरियाणा में देखा कि जो यहाँ के मंत्री हैं MLA हैं उन्होंने SYL का पानी मांगने के लिए एक दिन का उपवास रखा। आपको किसानों के जुबानी ही सुनाते हैं। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब कल जो ये उपवास रखा गया था उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बीजेपी वालों का उपवास क्या था, 10 बजे तो उन्होंने रोटी खाई है, वो न्यूज पे भी आ रही है, उसके बाद उनकी छित्र परेड होगी 2:30 बजे सी। अच्छा एक हिसार की देखी है मैंने, तो हिसार में जो था वो गोयल जी थे और एक दो और था कोई उनका पदाधिकारी, उनसे पूछा कि आप कैसे कर रहे हैं ये किसानों के उसमें, और बोले हम किसानों के पक्ष में SYL का पानी लेना चाहते हैं। तो पत्रकार साथी था उसके माध्यम से ही देखा है, तो उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया कि SYL का पानी लेना है आपने तो आपकी सेंटर की सरकार है, हरियाणा BJP की सरकार है। अच्छा सर्वोच्च न्यायालय ने दे ही दिया तो आप उनसे ले लो, किसानों का इसमें क्या मतलब है? और हमारे कैथल में एक लीला राम जी है विधायक, उसको बोलने की तो तमीज नहीं है, वो कह रहे हैं कि क्या अमरिंदर का बाप का पानी है, उसके कौन से बाप की सरकार है भाई, अभी उसका बाप की सरकार है या किसान नहीं है, क्या उपद्रवी भी बैठे फलाने अधिकड़े आ उसका बाप का गेहूँ रहा, अभी वो बन गया उसकी बापोती है भैया, तो सारे का सबका काम है, सारे किसान बैठे हो तो BJP के वर्कर थे, उसके अपने बुलाए लोग होंगे, उसके अपने निजी आदमी होंगे, किसान तो उसके साथ एक भी नहीं बैठा, गलत बातें करता है, लोगों को भड़काने की बातें करते हैं, ये इनकी तो राजनीति ही लोगों को भड़काने की है, आपस में पढ़ने की। अब SYL का मुद्दा ले लिया, इससे पहले इन्होंने खालिस्तान का मुद्दा दे रखा था वो चले नहीं, अब SYL का कर लिया। पहले बयान आता था कि यहाँ पर हरियाणा का जो किसान है वो है ही नहीं, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं हरियाणा का किसान तो आप देख रहे हो कितनी तादाद में है, ये सिंधु बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर पर जाकर देखो हरियाणा के किसान ही किसान है, हरियाणा के किसान हम हरियाणा से हैं, गुला चीका से हैं, मेरे सभी साथी हैं, ये सारा का सारा पंडाल हरियाणा का। आप रात को आ जाओ या दोपहर को 2 बजे के बाद आ जाओ, आप तो स्टेज पे जा रहे हैं सारे, 2 बजे के बाद इसमें जगह नहीं रहती, दूर से दूर तक ट्रैक्टर हमारे खड़े हैं हरियाणा गुला चीका के कैथल के, इसमें तो कहने की बात ये तो प्रयास कर रहे हैं बकाने का कि ये तो किसान नहीं है, ये हरियाणा के नहीं है, सारे किसान हरियाणा के हैं, हरियाणा के किसान को ज़्यादा दिक्कत है। मैं बताना चाहता हूँ उस विधायक को भी बेवकूफ़ आदमी को, जब मार्केट कमेटी टूट जाएगी मंडी टूट जाएगी, हरियाणा में 5 लाख रुपए प्रत्येक अगर कोई मृत हो जाता है किसान में, मिस हैपनिंग हो जाती है किसान को, तो उसको मार्केट कमेटी की तरफ से अनुदान राशि 5 लाख रुपए दी जाती है, अगर किसी का अंग कट जाता है तो उसे 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। अगर मार्केट कमेटी में पैसे नहीं होंगे तो वो राशि कहाँ से देंगे, ये तो वैसे बकाने के काम है। किसान इनमें एक नहीं है कोई विधायक, मैं तो कह नहीं रहा, अगर जो विधायक BJP का भी है अगर वो किसान है वो तो आ ही नहीं रहा, आप देख सकते हो, ये तो वैसे फिर पहली इनकी दुकानदारियाँ बंद हो गई थी, इब अपना लोक दल का डाउन हो गया प्रेशर तो इनका अपना सिस्टम बन गया, अग भी टिकट दे दिया रही। तो पहले तो विधायक लीला राम को एक सुझाव दे रहा हूँ, अभी किसान के अगर पैदा हुआ मेरे अनुसार उसके पास या 4 या 5 एकड़ ज़मीन थी और वो किसानों को विद्रोही कह रहा है, कदे खालिस्तानी कह रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए, उसने अपनी माँ को गाली दी है किसानों को नहीं दी, उसे समझ में आनी चाहिए। और आगे इलेक्शन आएगा विधानसभा का, जब आजे मैदान में फिर पता लगेगा कि किसान किसको वोट डालेंगे और किसको नहीं, इसकी जमानत जब्त होगी वहाँ से। किसानों की वोट तो जी बने, मैं लाडवे से हूँ जी,
कुरुक्षेत्र लाडवा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार कह रही है भी इनके पास इतना पैसा या राशन कहाँ से आ रहा? कई कहते हैं पाकिस्तान से आ रहा, कभी कहते हैं जी ये सरदार तो एक रुपया भी इकट्ठा करा, करोड़ रुपए इकट्ठा कर दें जी, अरे एक और पाकिस्तान तो अपना भूखा मर रहा हो, किसी ने क्या पैसे दे देगा जी, हैं? और ये आज बीजेपी वाले इतने साल से हैं भूखे मर रहे थे, आज ये रजे दे दिखने लगे, आज लगी ना पूछा नहीं था, ये पब्लिक ने ये बनाए दिया, जिम्मेदारों ने ये बनाए दिया, खड़े होगा इन्हीं का ही वो करने लग गए हैं, इन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए, आने वाला टाइम बहुत बुरा होगा इनके लिए, अब भी वक्त है समझने का भी, अब भी वक्त है टाइम पे इन जिम्मेदारों की सुनवाई की जाए और इनको इनके अधिकार दिए जाएं, जो भी है मांगे हैं इनकी बहुत अच्छी मांगे हैं, और ये नया कानून है इनके खिलाफ जहर का काम है। ये पानी मांगा था एसवाई लगा, उसके बारे में क्या विचार है? देखिए अगर इनकी नीयत सही होती, वास्तव में अगर ये एसवाईएल का पानी मांगते तो हम इनकी स्वागत करते, मगर इनकी तो मूल भावना ही गलत है, तो किसानों को फूट डालने के लिए ये उपवास की बात कर रहे हैं। हरियाणा 2003 से सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल का केस जीत चुका है, उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा है, 2 साल तक चौटाला का शासन रहा है, और उसके बाद अब 6 साल तक इनका शासन रहा, कितने साल हो गए केस जीते ने? ये बीजेपी वाला की नीत सही होती तो सेंटर में आज मोदी का शासन है, मात्र एक लाइन लिख के देनी सुप्रीम कोर्ट में भी कौन सी एजेंसी से नहर बनवाए, ये एक लाइन तो इन्हें लिख के नहीं दी, उपवास में बैठे, उपवास में भी के बैठे, नायब सैनी होगा कुरुक्षेत्र में सीधा आने ला रहा, पहला परोठे खा के चार चार फिर उपवास, चार परोठे खा के भी कोई उपवास कर रहा है, ढोंगी आदमी है, जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, किसानों को फूट डालना चाहते हैं, इनका एक मूल मंत्र है बीजेपी वालों का, ये राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद का जहर फैलाते हैं, राष्ट्रवाद के नाम धर्म का जहर फैलाते हैं, फूट डाल करके जनता में वोट लेते हैं, अगर कोई इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जातिवादी या बांट के वोट लेता तो बीजेपी है, आरएसएस है और मोदी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार मोदी है जो देश के टुकड़े करना चाहता है, इन पूरी राष्ट्रीय मीडिया, बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, पूरी राष्ट्रीय मीडिया इस देश को तोड़ना चाहती है, देश की कुर्सी पर जो बैठे वो समाज के को तोड़ना चाहते हैं, आज देश का बड़ा दुर्भाग्य है इतने गंदे लोगों का शासन। ये एक शब्द यूज कर रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, मतलब आपने बताया ना टुकड़े का मतलब तोड़ना, समाज को अगर कोई तोड़ता है जाति के नाम पर धर्म के नाम पर वो आरएसएस है बीजेपी है, धर्म के नाम पर जाति के नाम पर दंगे जो करवाता है बीजेपी आरएसएस है, पूरे देश के अंदर ये समाज को बांट के जो वोट लेता वो आरएसएस है, इनका सबका सरदार मोदी है, मोदी है टुकड़े के टुकड़े गैंग का गैंगस्टर सबसे बड़ा राजा। एक कृषि मंत्री का बयान आ रहा है जैसे आप कह रहे हैं भाई, ये आंदोलन वाले 62 में कहां थे? उस हरामखोर से मैं कहना चाहता हूं, जब आजादी से पहले राष्ट्रीय देश का आजादी का राष्ट्रीय आंदोलन चला हुआ तो आरएसएस कहां थी? हो सकता है आरएसएस वहां ना हो, और जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे 62 के आंदोलन में, हो सकता है कुछ लोग उस 62 के युद्ध में देश के साथ नहीं हो, मगर यहां जो जनता बैठी है ये वो राष्ट्रवादी लोग हैं जिन्होंने कभी भी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करी, हम मुगलों के खिलाफ भी लड़े, हम अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े, आज काले अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े, 47 से पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें भी सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमारी हैं, चाहे 71 का हो, चाहे 62 का हो, चाहे 65 का हो, जितने युद्ध हुए सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी ने दी तो हमने दी है, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी अगर कोई है आज भारत के अंदर वो किसान है, उसका एक बेटा अगर सेना में, दो बेटे होते हैं खेती करता, दूसरा सेना में जाता है। जय जवान। नेता है वो एक बंद कमरे में बैठकर एक बयान दे देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कभी पार्टी और किसी के साथ जोड़ दिया जाता है, उनके बारे में आपका क्या विचार? देखिए जो सारा ड्रामा चल रहा है ये पिछले 20-22 दिन से ड्रामा करवा दिया इन्होंने पूरे देश में, ये सियासतदान लोगों के बोए हुए बीज हैं। अभी एसवाईएल का जो कल मुद्दा कह रहे थे, एसवाईएल का मुद्दा एक दिन के उपवास में किससे मांग रहे थे एसवाईएल का पानी? नरेंद्र मोदी से। हम भी तो नरेंद्र मोदी पर कह रहे हैं 3 काले कानून रद्द कर दो, ठीक, भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही पानी मांग रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और है? ये सिर्फ सियासतदानों का उलझा हुआ है मुद्दा, इसमें किसानों का कोई मुद्दा नहीं, ना कोई एसवाईएल का मुद्दा किसी तरह का मुद्दा नहीं, मुद्दा है तो खेती को बचाने का मुद्दा है, मुद्दा है तो 3 काले कानून
जो ये लेकर आए हैं, जिन्होंने ये पारित कर दिए हैं, इनको रद्द करवाने का मुद्दा, इससे ज़्यादा किसान के पास और स्वामीनाथन MSP का खरीद का गारंटी का कानून लग, ये करवाने के बगैर किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। हमारा सारा भाईचारा है, सारे किसान एक हो गए हैं, कह रहे पानी क्या बात है, हम तो सारी नहर ही हरियाणा की तरफ मोड़ देंगे, अब तो भाईचारा एक हो गया, इसके बारे में क्या कहोगे? आपने कभी देखा है हरियाणा और पंजाब के किसानों को पानी के लिए लड़ते हुए? नहीं ना, मैं कह तो रहा हूँ ये सियासतदान हरियाणा और पंजाब के नेता जो हैं, जिनकी राजनीतिक दुकानदारी ही इस पानी के दम पर चलती आ रही है पिछले 40-45 साल से, इन लोगों की दुकानदारी है, ये अपनी दुकानदारी अभी चलाना चाहते हैं। अब यहाँ देखो एक थाली में खा रहे हैं, एक जगह बैठे हैं, वो पंजाब के लोग बैठे हैं, हरियाणा के लोग बैठे हैं, एक जगह सो रहे हैं, एक जगह आंदोलन लड़ रहे हैं, एक मंच पर बैठे हैं, भाईचारा की बात कर रहे हैं, और ये भाईचारा जलाओ वाले भारतीय जनता पार्टी वाले, इनको ये बात अच्छी नहीं लगती, इनको ये बात हजम नहीं होती, ये पाकिस्तान खालिस्तान टुकड़े टुकड़े हिंदू मुसलमान इन बातों में उलझा कर इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। उपवास के बाद जब उपवास तोड़ा जाता है तो फिर पानी या जूस दिया जाता है, लेकिन इनकी औकात नहीं है जूस पीने की, पानी दे दिया किसानों ने और दोबारा फिर रख के देख लें, इनको अच्छी तरह से पानी पिला देंगे, और गाँव में घुसे वहां पर भी इनको पानी पिलाने के लिए बैठे हैं। आज नारनौर में रैली थी जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए मुझे अब रैली के बारे में तो पता नहीं, लेकिन जो भी हुए होगा अच्छा ही हुए होगा, ऐसी तो बात नहीं है कि मुख्यमंत्री वहां आए होंगे और ठीक ठाक चले गए होंगे, और होना भी चाहिए। हम तो भाई आंदोलन में हाँ तमें हरियाणा में तो आए हो, कल कदे नाका खोल दिया बीजे फल्ट तो नहीं आ गया हरियाणा में, डूब तो नहीं गया, पूछ तो लियो भाई अभी हमें जावा बारे घरे नहीं पाओ पानी है पानी पाओ है, SYL का नाका कहले खोल दिया, बेशरम आदमी, ये रोटी खा के तो भूखे बैठे, मतलब हर चीज में डोंग, हर चीज में नाटकबाजी, ई बिरनियो साला जादूगर उती झोल में तो के काट के देगा, ये जितने काट के दे लिए चीज तो फैल हो ली, क्योंकि हर रोज एक नाटक करता है, पाकिस्तानी कौन हरियाणा में जानते आप, किसको कहा जाता है पाकिस्तानी? जब गांव में पाकिस्तान से कुछ साथी आए थे, उन्होंने दुकान करी थी, हमारे बुजुर्ग उनको पाकिस्तानी कहा थे, दुकान पे फलाने पाकिस्तानी की दुकान पे चीज लिया, हमने उनको भाई बढ़ा के बसाया, बड़ी इज्जत दी, आज बड़े रुतबे पे बैठे हैं। मनोहर लाल को आज भी बिनियाणी गांव में पाकिस्तानी कहा जाता है, वो हरियाणा किसान को हरियाणवी नहीं मानता। कृषि मंत्री बना बैठा है, पहले जेई होता था, भ्रष्टाचार के केस में टर्मिनेट हुआ था, एक किसान पे रिश्वत मांगा था तो ठाई में बांध लिया था, इसे गुंडे आदमी तो आज मंत्री बने बैठे हैं, वही आदमी इनकी गणी ही चिंता करने की जरूरत नहीं, देख लो हरियाणा में कड़िया बाढ़ आएगी हो तो शायद मामला आना पड़ा हुआ देख लो जाएगा। जो सरकार है वो कह रही है कि ये जो तीन कानून है ये किसानों के हक में है, आपका क्या कहना है इनके बारे में? ऐसा है, सरकार अभी तक ये समझाने में असफल रही है कि इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, फालतू के ढोल पीटने से ये नहीं हो जाता कि इसके फायदे हैं, भाई फायदे हैं, अब ढोल बजा के कहने लग जाएं कि इसके ये फायदे हैं, बताओ तो सही, किसान इतना अनपढ़ नहीं रहा, आज सारे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब ने कानून पढ़े हैं और पढ़ के यहाँ आए हैं, किसानों के बच्चे हैं जो आज पढ़ लिख के कहाँ कहाँ पहुँच गए, उनको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि इस बिल के फायदे हैं, हमें सब पता है कि इस बिल के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, नुकसान है इसीलिए हम यहाँ आके बैठे हैं आज, तो हमें पता है ये काले कानून है, काले कानून वापस होने चाहिए और जो MSP है उस पे कानून बनना चाहिए जब ये धरना खत्म होए। आखिर इन कानूनों में ऐसा है क्या जिसका विरोध हो रहा है? इसमें मंडी तो ख़त्म हो जाएगी, सरकारी सिस्टम तो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे करके, रेलवे ख़त्म कर दी, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, BSNL बेच दिया, BSNL का इतना बड़ा नेटवर्क था उसको कामयाब कराया जाता और उसमें टेक्नोलॉजी ले आई जाती, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती, और कोई डिपार्टमेंट है उसमें टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती, रेलवे सरकार टेक्नोलॉजी उसमें नहीं ले आ सकती, रेलवे में बेच दिया, बेचने से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कारपोरेट इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब ये जो कानून आए हैं इसमें क्या है, FDI आ रही है, FDI सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में आई है, अडानी अंबानी के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो अपने पे कब्जा करेगी, हैं बिल्कुल कब्जा करेगी और इतने इतने बड़े स्टोर बनाएगी, लास्ट में ये आप मान लो कि जो अपना काला बाजारी का कानून आया है इन्होंने स्टोर करना है माल, और ये जो अपने भाई बैठे हैं शहरों में आज 20 रुपये किलो आटा मिल रहा है इनको, कल को हो सकता है 100 रुपये किलो भी हो जाए, अंधभक्ति छोड़ो और ढंग की बात करो, जो है
अगर एक चीज़ स्टोर हो जाएगी, अपने पास 10 किलो चीज़ है, 10 किलो स्टोर कर ली, निकाल ही नहीं रहे, तो उसका रेट तो बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। जो भी ये नया एक बिजली कानून भी आया है उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में तो यही है जी, एक जिम्मेदार पे इतना ही पैसा होता है, 2-4 किले वाला अपना घर का बिल भर दे इतना ही बहुत है, और कमर्शियल बिल कहाँ से भर देगा? वो लेने हैं तो जो रामदेव जी को सब्सिडी दे रखी है, कोई टैक्स नहीं है, बाकी कई चीज़ें हैं, शराब पे टैक्स नहीं, एक बात सुनो, शराब पे टैक्स नहीं, और ये बाबाओं पे कोई टैक्स को नहीं, ठीक है, इन चीज़ों पे टैक्स लगाओ, अपने आप पैसा आएगा, खेती को बढ़ाओ। कोविड में ये मान लो आप कि कोविड में सारी चीज़ें फेल होगी, एक खेती बाड़ी को छोड़ के किसी को ये परवाह नहीं थी कि रोटी से मर जाएंगे, रोटी तो बहुत थी भाई, ठीक है, जिम्मेदार अपने भाई बैठे थे खेतों से आ ले आए, ये कह रहे हैं कि हम बिचौलिए जो हैं उनको ख़त्म कर देंगे या उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसान को फसल बेचने के लिए, और बारे में क्या विचार है? ऐसा है जी, ये तो ना ढोल पीटने वाली चीज़ें हैं, एक चीज़ का ढोल पीट दो कि ये चीज़ होगी भाई, ये चीज़ होगी, इस चीज़ की कमी होगी, तो उसी तरफ जनता चल लेती है। आज तो ये कह रहे हैं कि अनाज सरप्लस है, ये कल को कह देंगे अनाज सरप्लस है भाई, हम तो इतने में लेंगे तो देना पड़ेगा, और इनका ये नहीं पता कि 6 महीने बाद जब प्राइवेट सारा सिस्टम कर देंगे, 6 महीने बाद कह देंगे भाई अनाज की तो भारी दिक्कत होगी, अब कहाँ से लें अनाज, इतने रुपए में मिलेगा, लेना लो, नहीं लेना तो हम क्या करें, सरकार का तो हाथ है नहीं, अब बिचौलिया अपना पेट भरेगा, किसान मरेगा, किसान तो बेचारा मरिया पड़ा है, किसान के पास क्या है, 2 किले वाला किसान अपना परिवार नहीं पाल सकता भाई, कहाँ से पालेगा? ये कहते हैं हमने सब्सिडियां दी, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे काम कर देंगे। ऐसा है जी, सब्सिडी का तो ढोल है, आप एक नॉर्मल कारीगर पे चले जाओ, वही चीज़ आपको बिना सब्सिडी से आप लोगे ना तो 10-20 हज़ार का फर्क रहेगा, ये कहेंगे 50% सब्सिडी है, सब्सिडी का फार्म भर दिया तो वो दुगने की हो जाती है चीज़, उसकी लागत मतलब उसको घुमा फिरा के वहीं ले आए, और सब्सिडी ऐसे मिल जाती है, सब्सिडी के लिए मतलब चक्कर काटने पड़ते हैं, करप्ट सिस्टम है, सिस्टम सारा करप्ट है, आधी सब्सिडी तो उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है, फसल का रेट किसान ना मांगे माफ़ी, कोई किसान नहीं मांगता, फसल का रेट MSP तय करो और ऊपर MRP तय करो, उसके बीच में लो, कम से कम MSP दे दो किसान को, वहीं किसान तो राजी हो जाएगा, MRP की तो दूर की बात है, आज आप चले जाओ किसी भी स्टोर में MRP पे चीज़ें मिलती हैं, आपा खुश खुश होकर लेके आ जाते हैं। एक और बात बता दूं, अगर किसान खुशहाल है, आज सिस्टम में पैसा आ जाए किसानों के पास, किसान 300 जिसको मजदूरी देता है उसको किसान 500 मजदूरी देगा, 500 का नोट लेके वो शहर में जाएगा, शहर वाले को 100 रुपये उसने खर्चा करना, वहाँ 200 रुपये खर्चा करेगा, ठीक है, दुकानदार पे पैसा आएगा, वो और माल लेके आएगा, टेक्नोलॉजी तो बढ़ा पा जाएगी, ठीक है ना, कारोबार बढ़ेगा, जब पैसा आ गया तो टेक्नोलॉजी आ ही जाएगी भाई, अब अपने पास पैसा नहीं है खाने के लिए, अब अपना परिवार बचाएंगे, टेक्नोलॉजी देखेंगे, तो वही है भी अपने संसाधन अगले जहाँ हैं वहाँ सुकड़ते जा रहे हैं, पैसा नहीं है, खेती आगे आगे सुकड़ती जा रही है, एडवांस तो जिम्मेदार अपने आप हो जाएगा, सरकार ये करे ना, अब कहती है कि धान नहीं लगाना, नरमा लगाना है, नरमे का रेट तो 5 हज़ार कर दिया, नरमे का रेट 7 हज़ार कर दो, कम से कम ये तो हो कि कहीं कुछ बच रहा है, उसको लागत तो मिले, 5 हज़ार में बंदा एक किसान, मुझे नहीं लगता 20-25 मण नरमा हो जाए तो वो 10 हज़ार बचा ले, 10 से 15 हज़ार मुश्किल है ये, ठीक है, उसकी चुगाई उसकी बिजाई, उसमें खाद डलती है, दुनिया भर के खर्चे। ऐसे भी कह रहे हैं यहाँ पर जो किसान हैं पीजे खाने वाले हैं और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, ये क्या ये किसान है, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार? देखो जी, किसी के हक नहीं मारे हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके चीज़ें कमाई हैं, किसी से चोरी नहीं की, ठगी नहीं की, अब ले ली तो भाई ले ली, अब सरकार चाहती है सरकार के पेट पर पच नहीं रही, जब किसी के पच नहीं रही भाई, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आ गए, तो गाड़ियों पे आ गए भाई, गाड़ियाँ खोसन की ये मतलब चाल है क्या, ये बता दो, मतलब किसानों से अब गाड़ियाँ भी ले लोगे, किसान इनको ये ठीक लगता है किसान फांसी लगे, खेत में रहे, अडानी अंबानी राज करें, वही घूमें जैसे शहर वाले घूमें, किसान घूमता कोई माड़ा थोड़ी लगे,
किसान भी घूम सकता है भाई। ये जो कानून है कहते हैं जिमीदारों के लिए अच्छे हैं, जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत बढ़िया हैं ये कानून, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं 2 एकड़ का किसान हूँ, 80 मन मेरी गेहूं हुई। ये कहते हैं आप कहीं भी मंडी में जाके बेचो, मैं साला वहाँ जाके बिहार में बेचूंगा क्या 80 मन? इतना तो साला खेत से मंडी में ले जाते हुए भी 2000 रुपये मेरे को ट्रैक्टर ट्रैली वाले बंदे को देने पड़ेंगे, वहाँ तक तो मैं 20,000 तो उसको दूंगा और मेरे को क्या बचेगा? ये कुछ नहीं है, ये झोल है। मैं तो 100 बातों की एक बात कहना चाहता हूँ, सारे जितने के जितने इन्होंने अपना ये बिल लाए हैं सारे के सारे रद्द होने चाहिए। ये कहते हैं कि आप स्टोर करो, स्टोर कहाँ करें? साले भैंसे बांधने के लिए तो शेड बनवाया नहीं जाता हमारे से, हम जब करेंगे इनके लिए कौन कर लेगा स्टोर? 80 मन में कहाँ स्टोर करूँगा? किसी किसान के तो साली भैंस भी बीमार हो जाए उसना भी कोई देखन नहीं आंदा, सही सी बात तो ये है। और ना ही ये अडानी और ये अंबानी के हैं सारे शेड शूट बना रखे, ना ही ये हमारे किसी काम के हैं। बहुत से किसान हैं जो कह रहे हैं हम इसके समर्थन में हैं, ये सारी मोदी की मीडिया है, गोद लिया हुआ है मीडिया को। मेरे को साला दिखा दो कौन सा आ रहा है, 20,000 किसान कह रहे थे, एक भी दिखा दो कोई समर्थन में आया हो। सारे इसी के वर्कर है बेचारों के, ठीक है 200-400 रुपए दिहाड़ी पे ला रखे थे, खाना मिल गया उनको बढ़िया, खा पी के अपना घर को निकल लिए, अब दिखा दो कहाँ कोई बैठा है उनका, एक भी किसान नहीं है। ये है हरियाणा के किसान जिन्होंने अपने मन की अपने दिल की बात आपके सामने रखी। अब देखना ये होगा कि जो किसानों की मांगे हैं कब तक पूरी होंगी। दिल्ली सिंघू बॉर्डर से भूपेंद्र कंबोज, धन्यवाद।